एवरीवन, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर लेक्चर टू फॉर क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर 2. द टॉपिक इज द चोलास अ क्लोजर लुक. नाउ देयर इज अ विलेज दैट इज मुतरियार. इट इज इन कावेरी डेल्टा. दे वर सबऑर्डिनेट टू पल्लवास ऑफ कांचीपुरम. नाउ देयर वाज वन मेंबर ऑफ चोला फैमिली, द नेम वाज विजय अलैया. दे कैप्चर्ड मुतरियार. He captured Mutaryar, which is in Kaveri Delta, and then he built the Thanjavur temple for goddess Nishimbhashudini. Okay. Later, in what happened, the Pandyan territories and the Pallavas territories were captured, and they become the part of Chola kingdom. Okay. So, ये छोटी सी बात है जो कि आपको पता होनी चाहिए चोला के बारे में, कि चोला का राइज कैसे शुरू हुआ. तो विजय आला थे जिन्होंने कावेरी डेल्टा पे कैप्चर करा, फिर उन्होंने थंजावुर सिटी बनाई और वहाँ पे टेंपल वगैरह बिल्ड करे. ठीक है, फिर उन्होंने बाद में पांडन टेरिटरीज और पल्लव टेरिटरीज पे कब्जा पाया चोलास ने, और ये सारे टेरिटरीज चोला किंगडम के पार्ट बन गए. नाउ दे बिल्ट स्प्लेंडेड टेंपल्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स. Who were the important rulers? Raja Raja and Rajendra Chola. They built temples. Temples become the center of art and craft. And the temples were given land grants by king. Land grants mile temples ko. And the temples become center of town which grew around the temple. Theek hai? And the Chola bronze image is very famous. And it is world famous. Theek hai? So the temples were built in Thanjavur and Gangaikonda Cholapuram. ठीक है, ये है कि temples कहाँ कहाँ build हुए, किन्होंने build करा, temple का क्या significance रहा, कि कैसे temple के around cities build हुए, कैसे Chola's bronze image worldwide famous है, और arts and craft का क्या importance है. तो आप एक बार इस diagram को अगर देखिएगा तो आपको सारी बातें खुद समझ में आ जाएंगी. तो राजा and Rajendra Chola built temples. Temples become center of town which grew around the temples. जैसे कि अगर ये temples हैं तो temple center हो गया और आसपास में cities बस गई. उसी तरीके से बहुत सारे art and crafts के development हुए, और ये temples के लिए land grants कौन देते थे? Kings देते थे. और Chola bronze image बहुत ही famous है, आप इनको google करके भी देख सकते हो. और ये temples कहाँ built किए गए? Thanjavur और Gangaikonda Cholapuram में. ठीक है, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन के बारे में आपको पता है, ये कावेरी डेल्टा हैज फर्टाइल सॉइल्स. जहाँ फर्टाइल सॉइल्स हैं वहाँ बहुत ही अच्छा उपजाऊ हो सकता है. एंड कावेरी डेल्टा है तो देर वॉज कॉन्स्टेंट वाटर सप्लाई, दैट इज गुड फॉर एग्रीकल्चर. फर्टाइल सॉइल प्लस गुड वाटर सप्लाई मीन्स गुड एग्रीकल्चर, गुड कंडीशन फॉर एग्रीकल्चर. नाउ दीज एरिया वेयर कवर्ड विद फॉरेस्ट, दिस फॉरेस्ट लैंड वेयर कवर्ड एंड देवर कन्वर्टेड इन टू लार्ज स्केल कल्टिवेशन लैंड. एंड द टू क्रॉप्स वेयर ग्रोन इन अ ईयर. ठीक है, टू क्रॉप्स ग्रो करने से ज्यादा प्रोडक्शन होता था. एंड द आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ इरीगेशन वेयर यूज एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स वॉज वेयर ऑल्सो यूज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चोलास. ठीक है, अब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एम्पायर के बारे में, अगर उनके एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एम्पायर के बारे में पढ़ाएं, ये सब कुछ हम चोलास के बारे में पढ़ रहे हैं. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एम्पायर चोलास में क्या था? देखो, एग्रीकल्चर इरिगेशन लेड टू पीजेंट सेटलमेंट. इस पीजेंट सेटलमेंट, देखो एग्रीकल्चर शुरू हुआ तो एग्रीकल्चर के कारण पीजेंट के सेटलमेंट शुरू हुए. जहां एग्रीकल्चर शुरू हुआ वहां पे कुछ पीजेंट्स मतलब किसान रहने लगे, और उस किसान के सेटलमेंट को हम कहते हैं उर, दैट इज यू आर. और इस ग्रुप ऑफ उर को हम कहते हैं नाडू. जब बहुत सारे पीजेंट सेटलमेंट के ग्रुप्स को हम इकट्ठा करके एक ग्रुप बना दें तो उसको हम कहते हैं नाडू. ठीक है, और वेला कास्ट पीजेंट जो होते थे दे यूज टू कंट्रोल द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नाडू. ठीक है, वेला कास्ट पीजेंट हाई क्लास के माने जाते थे, दे वेर रिच, सो दे वेर गिवन अथॉरिटी टू एडमिनिस्टर This group of Ur which is called as Nadu. तो Ur क्या था? एक single peasant settlement, और group of Ur को हम कहते हैं Nadu. ठीक है, Now what were the titles, some of the titles given to the peasants? The first one is Movindavelan,
मूविंग द वेलन दैट इज प्रेजेंट सर्विंग थ्री किंग्स, अरेयार दैट इज द चीफ. ओके नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रह्मदेया. ब्रह्मदेया का मतलब होता है लैंड ग्रांट्स गिवन टू ब्राह्मण्स और द विलेज डोनेटेड टू ब्राह्मण्स. मतलब कि जो विलेज हम यानी जो किंग्स ब्राह्मण को डोनेट कर देते थे तो उस लैंड को हम कहते थे ब्रह्मदेया. दे वेर एडमिनिस्टर्ड बाय एन असेंबली और सभा ऑफ इम्पॉर्टेंट ब्राह्मण लैंडलॉर्ड. ठीक है, इनको एडमिनिस्टर कौन करता था? इम्पॉर्टेंट ब्राह्मण लैंडलॉर्ड किया करते थे. नाउ द नेक्स्ट वन इज नागाराम्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नागाराम्स? इट इज एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स हु वेर सेलेक्टिव एट हु यूज टू डू सेलेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस. ठीक है, नागाराम्स क्या करते थे? ट्रेडर्स के एसोसिएशन थे जिनको सेलेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस दिया गया था. ठीक है, तो ब्रह्मदेया क्या था? ब्रह्मदेया लैंड ग्रांट्स था. ठीक है, जो कि ब्राह्मण्स को मिला था. नागाराम्स क्या है? ये एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स है जो कि सेलेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस संभालते थे. नौ सभा जो है इसको हम सेपरेट कमिटीज में बांट दिए, जो कि एक इरिगेशन वर्क्स का कमिटी हो सकता है, गार्डन की कमिटी हो सकती है, टेंपल की कमिटी हो सकती है. और मेंबर्स कैसे पिक्ड होते थे? लॉटरी बेस्ड सिस्टम में, जैसे कि पाम लीफ पे एलिजिबल कैंडिडेट्स का नाम लिख दिया जाता था, फिर उन सारे कैंडिडेट्स के नाम को हम एक पॉट में डाल देते थे, फिर हम एक यंग बच्चे को बोलते थे कि जाके एक टिकट निकालो. ऑन द बेसिस ऑफ दैट द मेंबर्स वेयर पिक्ड फॉर दिस कमिटीज, दैट इज फॉर इरिगेशन वर्क्स, गार्डन, टेम्पल्स एटसेट्रा. ओके, टुडे वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर. इन द नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट फ्रॉम मुस्लिम इन्वेंशन. फॉर नाउ थैंक यू.